आज की हमारे कमाल धमाल बेमिसाल और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो से आप सबको जानने को मिलेगा। ईए का द सिम्पसन टैप आउट गेम अब शट डाउन होने जा रहा है, गोगो मूविन गेम का रिलीज डेट, मैपल स्टोरी वर्ल्ड गेम का शॉप लॉन्च, क्रंचीरोल के कुछ अपकमिंग मोबाइल्स गेम, जेंसिड इंपैक्ट का 5.1 अपडेट, गर्ल्स फ्रंटलाइन 2, एक्सोलियम का प्री रजिस्ट्रेशन और इस वीडियो का आखिरी अपडेट होगा पोकेमोन यूनाइट गेम को लेके जो आगे जाके शट डाउन होने जा रहा है। क्या सही में गेम शटडाउन हो जाएगा, हम और इस गेम को नहीं खेल पाएंगे, उसे जानने के लिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेमिंग अपडेट वीडियो हर दिन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, जो आप सबके लिए बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो को शुरू करते हैं हम छोटे लेकिन काफी ज्यादा मोटे अपडेट से। पहला अपडेट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट के तरफ से, तो उनका गेम द सिम्पसन टैप आउट 12 साल पहले रिलीज किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल बताया जा रहा है फेसबुक पोस्ट के हिसाब से ये जो फ्री टू प्ले गेम है आगे जाके शट डाउन हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है हमारे काफी सारे व्यूअर्स इस गेम के बारे में सुने भी नहीं होंगे और खेलेंगे कहां से। लेकिन अगर आप इस गेम को अभी खेलोगे तो इसमें आपको करने को मिलेगा बेसिकली मैनेज करना है स्प्रिंगफील्ड को, साथ में उसमें आप बिल्डिंग बना सकते हो, कैरेक्टर्स को कलेक्ट कर सकते हो और अपना जो स्प्रिंगफील्ड को डेकोरेट भी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर डिसेंट सा गेम था, तो 12 साल बाद जाके इस गेम को आप शट डाउन करने वाले हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप इस गेम को खेले हो या फिर नहीं। पीसी सैड न्यूज को पीछे रख के हम अभी गुड न्यूज की तरफ बढ़ चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस गेम में भी आप उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे क्योंकि आ रहा है गोगो मूविन। टोक्यो गेम्स शो 2024 में इसे अनाउंस किया गया है एक्सडी गेम्स की तरफ से और इसका सॉफ्ट लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है हांगकांग, मकाओ और ताइवान में और डेवलपर प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे जाके इस गेम को वेस्ट साइड में रिलीज करें। ऑब्वियसली इंडिया में तो शायद ये गेम रिलीज अभी के लिए तो नहीं होने वाला है। बेसिकली ये एक अपकमिंग आइडल डंजियन क्रॉलर MMORPG कैटेगरी का गेम होगा जिसका ट्रेलर तो ऑन स्क्रीन आप देख ही पा रहे हो। तो क्या आप सब इस गेम के लिए थोड़ा सा भी एक्साइटेड हो? देखते हैं कब ये गेम रिलीज होता है और जब भी रिलीज होगा इसी तरह से अपडेट वीडियो में आपको जरूर बता देंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। इसी के साथ और एक नए गेम के तरफ चलते हैं जिसका नाम है मैपल स्टोरी, जो आगे जाके एंड्रॉइड, iOS और PC में भी रिलीज होने वाला है। अभी के लिए इस गेम को सॉफ्ट लॉन्च किया गया है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, जो एक 2D साइड स्क्रोलिंग MMORPG का कैटेगरी का गेम होगा नेक्सॉन के तरफ से। और ऑब्वियसली उनके तरफ से जितने भी सारे गेम्स आते हैं या फिर आने वाले हैं वो काफी अच्छे होते हैं, जिसका ट्रेलर भी ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि यूनिक गेम प्ले हमें मिलेगा और साथ में इसका आर्ट स्टाइल काफी अच्छा होने वाला है। देखा जाए ओरिजिनली इस गेम को साउथ कोरिया में रिलीज किया गया था काफी पहले, लेकिन अभी इस गेम का ग्लोबल रिलीज होने वाला है, लेकिन कब होगा इसका इंतजार तो हम सबको है। तो क्या आप इस टाइप के गेम खेलना पसंद करते हो या फिर नहीं, इसके बारे में बिना कमेंट कर देना। लेकिन कमेंट जरूर कर सकते हो इस अपडेट को सुनने के बाद, क्योंकि अभी देखा जाए तो क्रंचीरोल के तरफ से बहुत सारे मोबाइल्स गेम्स रिलीज हो चुके हैं और आगे जाके बहुत सारे गेम्स रिलीज भी होने वाले हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके तरफ से जितनी भी सारे गेम्स रिलीज किए गए हैं अब तक उसमें से बहुत ही कम जो गेम है इंडिया में रिलीज किया गया है। लेकिन आगे जाके जरूर आपको इनके तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग टाइटल जो है मोबाइल डिवाइस में खेलने को मिल सकता है, जिसका प्रॉपर लिस्ट जो है सामने निकल के आ चुका है। उसे बताने से पहले आपको बता दूं, अगर ये सब गेम जो है इंडिया में रिलीज नहीं होता है तो आपको जुगाड़ लगा के खेलना पड़ेगा। तो इस लिस्ट में पहला गेम आता है ब्लूजम टेल्स 2, दूसरा है योहाने द पार्लियन, तीसरा है एटर नाइट, चौथा फूट माउंटेन, देन आता है हिडन माय पैराडाइज, कार्डबोर्ड किंग, कार्ड शॉप सिमुलेटर, मूनस्टोन आइलैंड, रिवर सिटी गर्ल 2, सैंटी एंड द सेवन सीरन और आखिरी गेम होगा विक्ट्री हिट रैली। लेकिन अभी तक इन गेम्स के बारे में ज्यादा हमने रिसर्च तो नहीं किया है, तो शायद हो सकता है इनमें से कुछ गेम्स के रिलीज डेट को कंफर्म भी कर दिया होगा। तो मुझे आप लोग फिलहाल कमेंट करके जरूर बता के जाना है इनमें से कौन से गेम के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। लेकिन एक्साइटेड होने वाले हो जेंसिड इंपैक्ट का 5.1 अपडेट को लेके, क्योंकि उनके तरफ से एक नया ट्रेलर जो है इसी को लेके रिलीज कर दिया गया है। ये जो अपडेट है रोल आउट होने वाला है 9 अक्टूबर को,
तो आज से करीबन 10 दिन बाद, जिसका टाइटल रखा गया है द रेनबो डेस्टिनाइड टू बर्न। हालांकि डीप हम डिस्कस तो नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है बहुत सारे कैरेक्टर अनाउंस करते हैं, स्टोरी को भी आगे बढ़ाया जाता है, काफी सारे एलिमेंट्स में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में डिस्कस करने बैठे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ऊपर से आपको बता देते हैं, नए कैरेक्टर जैसे कि सिटलाली और सिलोलिन 5 स्टार का जियो स्वॉर्ड यूजर आने वाला है यानी कैरेक्टर। उसके अलावा मिनी गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बोनसेस भी आपको दिया जाएगा। स्पिरल एबिस को ऑप्टिमाइज किया गया है और स्टोरी को भी शायद आगे बढ़ाने वाले हैं इस 5.1 अपडेट वर्जन में। तो क्या आप सब जेंसिड इंपैक्ट गेम को खेलते हो या फिर नहीं, कमेंट करके ना जरूर बता देना। हम तो यार ऑफलाइन बहुत ही ज्यादा खेलते हैं। लेकिन आगे जाके जरूर आप खेलने वाले हो अपने मोबाइल डिवाइस में गर्ल्स फ्रंटलाइन 2 एक्सोलियम गेम को, क्योंकि फाइनली इसका ग्लोबल प्री रजिस्ट्रेशन जो है हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे शुरू हो चुका है। अगर आप रजिस्टर नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके रजिस्टर कर लेना। लेकिन अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इसके रिलीज डेट को कन्फर्म नहीं किए हैं। लेकिन जो भी हमारे दोस्त इस गेम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है गर्ल फ्रंटलाइन फ्रेंचाइज का। और पहले पार्ट को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, 4.1 रेटिंग है अभी के लिए। और अभी अगर आप प्ले स्टोर पे जाके इस पहले पार्ट को सर्च करोगे तो गेम आपको डाउनलोड करके खेलने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस गेम से पहले उस गेम को भी खेलना चाहते हो, ट्राई कर सकते हो। इसकी यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आप रजिस्टर करते हो ग्लोबल रिलीज से पहले इस गेम को, तो काफी सारे इन गेम एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स भी आपको मिलने वाला है, जो आगे जाके आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखते हैं इस गेम को कब रिलीज किया जाता है, और जब भी रिलीज होगा आपको उसका अपडेट जरूर दे देंगे। और इस वीडियो का आखिरी अपडेट आ रहा है, जिसके बारे में टाइटल में भी आपने पढ़ लिया है कि पोकेमॉन यूनाइट अब शटडाउन होने जा रहा है। कुछ भी लेकिन टेंशन मत लो, पहले ही डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया में और बाकी सारे कंट्री में तो शटडाउन नहीं होगा, लेकिन आगे जाके जरूर आप इस गेम को बेल्जियम से और साथ में नेदरलैंड से गेम को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से हमको समझाने की कोशिश करते हैं। इनके तरफ से ऑफिशियल ट्वीट भी आ चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन में पढ़ पा रहे हो। फ्रॉम October 31st, 2024 इन गेम आइटम इंक्लूडिंग एओस जेम्स एंड सब्सक्रिप्शन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर परचेज इन हैशटैग पोकेमॉन यूनाइट इन द नेदरलैंड और बेल्जियम ऑन मोबाइल डिवाइस और निंटेंडो स्विच। अगर इस ट्वीट का हम मतलब निकालेंगे तो 31st अक्टूबर से एओस कॉइन और सब्सक्रिप्शन गेम के अंदर परचेस नहीं कर पाएंगे कौन सी यूजर, नेदरलैंड्स के और बेल्जियम के। अगर आप पूछोगे इसका रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, इन कंट्रीज में गैम्बलिंग को लेके बहुत ही सख्त रूल लागू हुआ है, और इन गेम यानी जो भी हम मोबाइल गेम या फिर पीसी कंसोल के गेम्स खेलते हैं, उधर अगर कुछ गैम्बलिंग का फंडा होगा तो उस गेम को हटा देंगे। अगर डेवलपर चाहे गेम के अंदर से उस फीचर्स को हटा के उस कंट्रीज में जैसे नॉर्मल सर्विसेज चल रहे हैं उसे चलाए, लेकिन पोकेमॉन कंपनी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सोचा हम गैम्बलिंग को क्यों हटाएंगे, इससे बेटर यार उस कंट्री से गेम ही क्यों ना हटा लें। इसके वजह से उनके प्लेयर बेस तो जरूर कम होने वाले हैं, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस ट्वीट के नीचे कमेंट भी पढ़ोगे तो इनको बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि कंपनी गेम तो बनाए हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और गेमिंग ऑन फोन का ये ट्वीट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आगे जाके ये गेम जो है शटडाउन होने जा रहा है बेल्जियम और नेदरलैंड में, वो होगा 30 नवंबर 2025। जी हाँ, अभी भी कम से कम एक साल के ऊपर का समय है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के आखिर में जाके मेंबरशिप और एओस कॉइन को इन गेम परचेज तो नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी तो देखा जाए पोकेमॉन कंपनी किसी से कम नहीं है, वो सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले न्यूज भी आया था कि पैलवॉल के ऊपर भी लॉ सूट फाइल कर चुके हैं, खुद तो अच्छे गेम नहीं बनाते हैं या दूसरे को भी बनाने नहीं देते हैं। बात तो सही है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। मुझे लगता है यार पोकेमॉन यूनाइट को बहुत ही ज्यादा इसके बाद बैकलैश मिलने वाला है। आपको इसके बारे में पता था या फिर नहीं, कमेंट करके ना जरूर बताना, और अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करना क्या ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं। तो इसी के साथ आज की इस पंचायत को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को भी लगे हाँ तो सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से डेली गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलो यार मिलते हैं किसी एपिसोड में एक प्रेजेंट फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।